YouTube चैनल। तो बेसिकली गाइस आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न पे लेटर ऐप सबको कैसे प्राप्त होगा, यानी अगर अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और हम सबको सामान कोई परचेज करना रहता है मुसीबत में, तो उस टाइम अगर हम सबके पास अमेज़न पे लेटर अकाउंट रहेगा तो हम सब बहुत ही आसानी तरीके से अपना कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे। तो कैसे ये अमेज़न पे लेटर मिलता है आपको पूरा प्रोसेस में बताऊंगा। उससे पहले का जगह अगर आप सब चैनल पे नए आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप सबको ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने को टाइम टाइम पे मिलता रहेगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं गाइस आपको बताऊंगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पे जाकर किस तरीके से अपना अमेज़न पे लेटर अकाउंट को चालू करते हैं। तो चलो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि किस तरीके से अमेज़न पे लेटर अकाउंट को चालू करते हैं, जो कि आप सबको इंस्टेंट जितना भी लिमिट मिलेगा आप सबको इंस्टेंट सब लिमिट शो हो जाएगा। चलो चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। सो गाइज मैं फाइनली आ चुका हूँ अपने अमेजोन पे लेटर अकाउंट में। अमेजोन पे लेटर अकाउंट में आने के बाद आप देख लीजिए कि इससे पहले मेरा अकाउंट चालू नहीं है, लेकिन जो भी मैं चालू करने वाला हूँ लाइव चालू करने वाला हूँ, इसके लिए आपको अपना अमेजोन पे लेटर अकाउंट को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको देखेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है जिसमें आपको होम ऑर्डर बहुत सारे का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको बीच में एक ऑप्शन मिलेगा सैंड बने के नीचे में ऑल अमेजोन पे लेटर वाला ऑप्शन, तो आपको फाइनली आपको ऑल अमेजोन पर क्लिक कर देना है। तो चलो फाइनली हम ऑल अमेजोन पर क्लिक करते हैं। उससे पहले गाइज अगर आप जब तक अपना अमेजोन पे अकाउंट को फुल केवाईसी नहीं करेंगे तब तक जो आपका ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आप सब अपना अमेज़न पेलेटर अकाउंट को फुल केवाईसी नहीं करवाए हैं तो जरूर एक बार अमेज़न पेलेटर अकाउंट को फुल केवाईसी करवा लीजिएगा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूं किस तरीके से अमेज़न पेलेटर अकाउंट को फुल केवाईसी किया जाता है। तो चलो फाइनली आपको इसका जो प्रोसेस है पूरा बताता हूं। तो फाइनली जैसे आप ऑल अमेज़न पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको पहले में एक ऑप्शन आपका मिल रहा है कि न्यू लॉन्च हुआ है आपके लिए, जो कि आपका अमेज़न पेलेटर अकाउंट का इंटरफेस आपको ऊपर में दिखता है। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन आपको मिलता है गाइस अमेज़न बैलेंस, यानी आपको जो अमेज़न पे का बैलेंस रहता है वो आपको जो पर्सनल बैलेंस रहता है वो दिखता है। उसके आगे एक ऑप्शन मिलता है अमेज़न पे लेटर का, जो कि जेट स्टार्टर का एक ऑप्शन दिया गया है। तो फाइनली गाइस आप जेट स्टार्टर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे लॉन्चिंग अमेज़न पे लेटर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो फाइनली आप इस प्रकार का इंटरफेस दिखता है जिसमें आपको नीचे में गाइस एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का। तो फाइनली आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें आपको मैं बता दूं कि चार्ज अभी आपको एक भी रुपया नहीं लगने वाला है, यानी जब आप ये अकाउंट को चालू करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपसे एक भी रुपया कभी भी नहीं लिया जाएगा। जब तक आप ये अकाउंट को यूज करते हैं तब तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो चलो फाइनली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ आपका लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद आपको जो भी इसका प्रोसेस होता है आपको प्रोसेस होने देना है, आपको इसमें कुछ एस्केप मत कीजिएगा और ना ही इसको आप इसको क्लोज कीजिएगा। तो चलो फाइनली पूरा प्रोसेस होने के बाद के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें मैं बता दूं कि मेरा इस बार आधार कार्ड से ऑलरेडी मैं इसको केवाईसी करके रखा हूं, तभी हमको बताया जा रहा है कि आप अपना पैन कार्ड नंबर आपको डालना पड़ेगा, जो कि हमको लास्ट का जो है आप देखेंगे हमको 7 अंक हमको दिख रहा है और बीच वाला जो आपको नंबर आता है वो नंबर हमको इधर से ऐड किया गया है। तो वही नंबर आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड का नंबर डालना रहेगा। तो चलो फाइनली अपना पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलो गाइस फाइनली जो भी मेरा आधार यानी पैन कार्ड का नंबर है नंबर इधर हम फिल करते हैं। नंबर फिल करने के बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो गाइस फाइनली अपना पैन कार्ड का नंबर डाल दिया हूं, उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद वेरीफाई डिटेल्स होगा, आपका प्रोफाइल चेकिंग होगा और फाइनली तरीके से आपका जितना भी लिमिट मिलेगा वो लिमिट आपके सामने शो हो जाएगा। तो गाइस आप देखेंगे अभी हमको जो मिला है पूरे 10,000 का लिमिट मिल गया ओनली फॉर 10 सेकेंड भी नहीं हुआ और मेरा लिमिट मेरे सामने शो हो चुका है। तो अभी गाइस आप ये लिमिट को अभी आप कभी भी यूज कर सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई टिकट बुक करेंगे तो ये बैलेंस को आप टिकट बुक करने में भी यूज कर सकते हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं यानी इमरजेंसी में अगर आपके पास कैश नहीं है, टिकट बुक करना है, चाहे कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, तो आप अमेज़न पे लेटर में आइए, उसके बाद आपको ये बैलेंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और इसका टर्म एंड कंडीशन है उसको आपको एग्री करने के लिए फिर से आपको एक ऑप्शन मिलता है नीचे में एग्री एंड कंटिन्यू का। तो फाइनली आप एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। चलो फाइनली हम एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। गाइस आप जैसे एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है रीपेमेंट का, यानी आप जब इसको यूज कर लेंगे तो उसके बाद आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, यानी आपको बिल पेमेंट भी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना कौन सा बैंक से इसको आप डेबिट करना चाहते हैं बैलेंस वो आप देख सकते हैं, या तो आप इसको एस्केप भी कर सकते हैं, यानी आप अपना डेबिट कार्ड से भी इसको बिल पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ एक बैंक अकाउंट ऐड करके किस तरीके से बैंक अकाउंट इसमें ऐड किया जाता है। तो इसके लिए अभी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ ICICI बैंक अकाउंट। उसके बाद नीचे में आपको रीपेमेंट का मोड में जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर जब आप क्लिक करेंगे इधर 2 ऑप्शन मिलता है, एक तो मिलता है डेबिट कार्ड का और दूसरा मिलता है नेट बैंकिंग का। तो इसमें से आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगेगा चॉइस कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ
डेबिट कार्ड मैं चॉइस किया हूँ, उसके बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। गाइस आप जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे आपका बैंक का नाम आ गया, मोड में आपको डेबिट कार्ड आ गया, उसके बाद नीचे में आपका अकाउंट नंबर जो है आपका वो अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको फाइनली वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली अपना वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले अपन का अकाउंट नंबर इधर फिल करना पड़ेगा, अकाउंट नंबर फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। गाइस आप जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट का जिसका भी नाम रहेगा या जिसका अकाउंट नंबर इधर आप डाल रहे हैं उनका नाम इधर आपका इधर शो हो जाता है। जैसे कि ये मेरा अकाउंट नंबर है तो हमको मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव है मेरे अकाउंट में नाम, तो मेरा नाम इधर शो हो गया है। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलता है आपको कंटिन्यू का, तो फाइनली आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। चलो फाइनली मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, उसके बाद फिर से कुछ प्रोसेस होगा यानी आपका अकाउंट का पूरी डिटेल्स देखा जाएगा, उसके बाद आपको जो भी पर्सनल डिटेल्स रहता है आपको सब शो हो जाएगा। तो चलो फाइनली हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी प्रोसेस आपके सामने आता है उसका मैं दिखाता हूं। उसके बाद सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट में एक रुपया क्रेडिट किया जाएगा, जो अकाउंट इधर आप एड किए हैं उस अकाउंट में आपको क्रेडिट किया जाएगा, यानी ये आपको ऑटो डेबिट जो होता है इसके लिए आपको जैसे परमिशन देना पड़ेगा आपको। तो चलो फाइनली हम इसको आपको परमिशन देकर दिखाता हूँ किस तरीके से हम जब मैं अमेजोन पेलेटर यूज करूंगा यानी कुछ प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उस टाइम हमको जो ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से जो डेबिट होगा बैलेंस उसके लिए आपको इधर एक ऑप्शन मिलता है आपका जो भी आपके डेबिट कार्ड के ऊपर नाम रहेगा वो नाम डाल दीजिए, उसके बाद आपका कार्ड नंबर क्या है नंबर डाल दीजिए, सीवीवी कोड क्या है वो सीवीवी कोड डालने के बाद एक्सपायरी डेट फिल कीजिए, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो गाइस फटाफट मैं ये भी पूरा प्रोसेस पूरा कर लिया हूं, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो चलो फाइनली हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। गाइस जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको पूरा डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका अप्रूवल ले लिया जाएगा ऑटोमेटिक। मैं फाइनली अपना कार्ड को इधर से ब्लॉक करके रखा हूं, यानी ऑनलाइन जो मेरा कार्ड है उसको मैं बंद करके रखा हूं, डिसेबल करके रखा हूं। इसके लिए आप देखेंगे हमको बोल रहा है कि आपका जो है ये सक्सेसफुल मैंने रिफंड वाला प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, आपको दोबारा करना पड़ेगा यानी ट्राई अगेन करना पड़ेगा। तो लेकिन मैं आपको इधर एस्केप करता हूं, अभी हमको जब भी बिल पेमेंट हम करेंगे मैं अपना डेबिट कार्ड से ही डायरेक्ट कर देंगे, इसके लिए मैं इसको एस्केप कर रहा हूं। तो इधर एक ऑप्शन आपको मिलता है आगे में एस्केप करने वाला, चाहे तो आप भी एस्केप कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना जो भी आप बैंक और इसमें ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लीजिए, कोई इसमें कुछ भी इशूज नहीं रहेगा, यानी आपको टाइम टू टाइम आपका ऑटोमेटिक आपके बैंक और से पे होता रहेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ प्रोडक्ट परचेज करके, यानी कुछ एक मोबाइल में आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको अपना अमेजोन पेलेटर के यूज कर सकते हैं, नहीं तो अभी आपको फाइनली तरीके से आपका अमेजोन पेलेटर में जितना का लिमिट आपको मिला है वो लिमिट अभी आपका शो हो जाएगा। तो चलो फाइनली अभी इधर से मोबाइल देखते हैं यानी जो आपको कम दाम करेगा, जैसे कि अभी मैं एक 10,000 रुपये का कोई मोबाइल है वो देखता हूँ, क्योंकि अभी हमको 10,000 रुपये ही लिमिट मिला है अमेजोन पेलेटर में। तो अभी हमको एक मोबाइल भी मैं ढूंढ लिया हूँ 10,990 रुपये का है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यह प्रोडक्ट परचेज करके। उसका फाइनली आप बाय नाउ जब करेंगे तो बाय नाउ करने के बाद गाइस आपका अमेज़न पेलेटर का इधर इंटरफेस आ जाता है, अभी आप इधर से परचेज कर सकते हैं। तो गाइस आप देखेंगे पहला हमको ऑप्शन एक को मिलता है अमेज़न पे बैलेंस, जो कि पर्सनल बैलेंस होता है, उसके आगे अभी हमको दिख रहा है अभी अमेज़न पेलेटर अकाउंट जिसमें हमको 10,000 रुपया है, सामने आपका पूरा प्रोसेस आपके सामने दिख रहा है। अभी आप जब भी यूज करेंगे, आप क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप अपना अमेज़न पेलेटर अकाउंट को आप यूज कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे मेरा जो अवेलेबल लिमिट है पूरे 10,000 रुपया है, यूज किया हूं 0,0 जो कि अभी हमारा मिला ही है लिमिट, अभी तक मैं कुछ भी यूज नहीं किया हूं। अगर आप चाहते हैं सेट ऑटो रीपेमेंट के लिए तो आप आगे में सेट कर सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप मैनुअली बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो माइक पेमेंट पे करके आप सब मैनुअली बिल पेमेंट भी इधर से ही कर सकते हैं। तो गाइस काफी अच्छा खासा अमेज़न पेलेटर का बैलेंस आप सबको यूज करने को मिलेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपसे कभी भी एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। अगर आप सब ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो इसके लिए कुछ 9 महीना का टाइमिंग सेट रहता है, आप सबसे 9 महीना तक एक भी रुपया इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो गाइस इस तरीके से अपना अमेज़न पेलेटर अकाउंट को चालू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप सबको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इशू है तो आप सब कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।